he batted because of course India needed him to stick out there and finish the game and that's what he did. ये बिल्कुल आपको जो आज की innings देखी है सबसे अच्छी चीज़ जो cricket में ज़रूरी है ना how to handle the situation and he handled the situation very well. उसमें आप छोड़ दें कि वो vibrant innings थी या नहीं थी, मेरी नज़र में ये vibrant innings ये होती है जब आप मैच को जितवाएं और सिचुएशन अच्छी हैंडल करें. तो मुझे लगता है कि आज की इनिंग्स देख के अभी तक मुझे लगता है कि बहुत से सवाल आएंगे इनके पास, लेकिन आज अगर मैं कहूं तो फुल टिक है. लेकिन मैं क्यों जायसवाल की मैं फेवर में हूं इस टीम के अंदर कि आपका मेन प्लेयर जो पूरी दुनिया में नंबर वन के जोन में खड़ा हुआ है या जिस पर हम सोचते हैं कि इंडिया की जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर है वो विराट कोहली है, उसको नंबर तीन पे लाने के लिए. आई एम नॉट के दुबे खेले या कोई भी खेले, लेकिन अगर जायसवाल ओपनर खेलता है तो विराट कोहली अगर तीन पे खेलते हैं तो मुझे ये लगता है कि इंडिया ज़्यादा बेहतर शेप में आएगा. क्योंकि जब ओपनर के दोनों ये जाते हैं रोहित और कोहली, या जब ये दोनों आउट हो जाते हैं या इनमें से कोई एक भी आउट हो जाता है तो ये हिम्मत मिलती है दूसरी टीम को, क्योंकि दूसरी टीम का टारगेट विराट और रोहित होते हैं कि इनको जल्दी आउट कर लो, इनके लिए पार रन रीच करना बड़ा मुश्किल है. और ये हमेशा से इनका मसला आ रहा है कि जब जब रोहित और कोहली जो हैं ये दोनों आउट हो जाते हैं तो इनके बाकी प्लेयर पार रन्स को नहीं लेके जाते, ये हमेशा उससे अंडर पार रहते हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि दैट विल बी हेल्पफुल. लेकिन आई थिंक कि आज की अगर मैं इनिंग्स देखूं तो मैनेजमेंट मस्ट बी गिविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू दुबे, और आज उन्होंने अपने उस गिवन कॉन्फिडेंस को डिलीवर करके दिखाया. चलिए, कन्विंसिंग एंड क्लिनिकल विन फॉर इंडिया व्हेन दे नीडेड इट अ लॉट, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वाज अ टाइम देयर व्हेन द बैटिंग लुक्ड रियली शेकी फॉर देम एंड दे वर स्केयर्ड प्रीटी गुड बिकॉज यूएसए रियली काइंड ऑफ गेव देम दैट शॉकर ऑफ अ स्टार्ट, especially how Netra Walker bowled once again today, but India delivered with the bat. And of course hum abhi wahi baat kar rahe the, yahan pe ek chota sa break lenge aur Vantage Developers presents game on hai. But actually humne Dubey ki bhi bare mein bhi baat ki, unko runs nahi mil rahe the, a good show from him as well. And of course Surya Kumar Yadav, unki bhi due thi Yunus ek international stage pe, but ek low scoring jab aap chase kar rahe hote hain aur aap when you lose your top batters itna early on 10 runs for 2 wickets, uske baad jis tarah cruise kiya unhone, bahut zyada ye nahi ki well paced chase aap kahenge, lekin aakhri 5 overs mein jaise unhone net run apna jo run rate tha wo pick up kiya aur close kiya match ko, speaks volumes of their class. बिल्कुल मुश्किल कंडीशन थी एक टाइम पे, तो बहुत मुश्किल था रन्स करना, लेकिन समहाउ जो है दुबे ने और ख़ासतौर पर स्काई ने कोशिश की, कुछ इनोवेशन की शॉट्स में, और उन्होंने वो जो हम बार बार बात करते हैं कि जब आप टॉप के क्रिकेटर होते हो, टॉप के बैटर होते हो, तो आपको सम वे अडॉप्टेशन करनी होती है और कुछ रास्ता निकालना होता है. तो इन दोनों बैटर्स ने ऐसे किया, जो उनकी पार्टनरशिप भी उन्होंने मेक श्योर किया कि जो हम बार बार बात करते हैं कि चेज में जब आपको मेक श्योर करना है कि आपका वन बैटर जो है वो एक ऐसी इनिंग खेलें जो कि आप आखिर तक खेलें और वो आपको विनिंग साइड पे लेके जाएं. और ओवरऑल अगर बात करें यूएसए की टीम की, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा शोर क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह वो खेलें, उसके बाद जिस तरह आज वो एक बड़ी टीम, देखिए जैसे पाकिस्तान की टीम होती है और इंडिया की टीम होती है, सिर्फ एक टीम्स नहीं होती, बड़ी टीम्स नहीं होती, बहुत सारा प्रेशर भी इनका होता है, तो उस प्रेशर से हैंडल करना मेरे ख्याल से विन विन है यूएस के लिए. तो कि वो आज मैच हार गए, लेकिन अभी बड़ी अच्छी स्टेज पे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे. अगर एक वो मैच जीते हैं अगला, तो मेरे ख्याल से सुपर एट में वो क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आगे जाके बहुत सारी बारिश भी है चाहे इनके मैचेज होने. तो आई होप कि इनका मैच हो, पाकिस्तान का मैच हो, और वो जो बेस्ट टीम है, फिर उसके बाद वहाँ से पता चले कि पाकिस्तान में और यूएस में कितनी स्ट्रेंथ है और कितना करेक्टर है कि वो आगे जाके शो करते हैं और सुपर एट में क्वालिफाई करते हैं. आई मीन दिस मैच हैड अ लॉट ऑफ रैमिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ग्रुप ए क्वालिफिकेशन. वी डू नो दैट इंडिया ऑफिशियली क्वालिफाई नाउ फॉर द सुपर एट. दैट सेकंड स्पॉट इज स्टिल अप फॉर ग्रैब्स. एंड द प्रोफेसर हफीज, आई नो यू हैव गॉट योर कैलकुलेशंस डन, एंड आई थिंक यू कैन कंफर्म फॉर अस टू दैट एट द मोमेंट Pakistan's run rate does sit higher than USA's now. So should they get a win and USA get a loss, that would see the men in green sneak through to the Super 8. This match meant so much for the hopes of Pakistan and still scraping through, didn't it? No, I'm a patriot Pakistani. I would like to see Pakistan going through, but I never wanted others to lose anywhere. But you know, I wish them all the best. Whoever will play well, it will be good for the game of cricket, because at the moment, if you see the progress of USA, I'm really impressed. Because the two given conditions, they adapted things very well. Their team basically adapted according to the condition. They played two games in Dallas. They chased down the highest total in this tournament so far.
and then in the next game they beaten, you know, the giant of Pakistan, and then in this game in a different condition they adapted very well. So I think they playing well as a team, no matter maybe there's no bigger stars at the moment, but these stars, they are in making of a big star. So as a team, I believe they're doing all things rightly. For Pakistan, first of all, I would like to see the match should happen. Yes. I never wanted that, you Please. Know, the rain should come in, because Name at the moment Barish. Florida Name looks Barish. Raining around everywhere. It seems like, you know, it's tough. Maybe it seems like, you know, the weather may not permit, but if I would like to see the matches should happen, because whatever will be, it should be happen in the ground rather than the weather should decide about Absolutely. It. Absolutely. So let's see how it goes. But at the moment, I'm really impressed with the performances of USA. Absolutely. Quick ek match summary bhi dekh lete hain, ek recap kar lete hain ki New York mein kya hua. Of course, we know ke is tricky aur confusing se ground pe aaj hi aakhri match tha. But India winning the toss and putting a USA to bat first, 110 from them on the board in their 20 overs. And of course, उनके जो ओपनर आज खेले शायान जहांगीर, ऑफकोर्स जीरो पे वो आउट हो गए, तो दैट पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द बैटर्स. पर स्टीवन टेलर विथ 24 ऑफ 30, एंड देन ऑफकोर्स वी हैड एंडरसन चिपिंग इन विथ 15 रन्स, एंड नितिश एट द टॉप, यू नो, एडिंग दोज रन्स, 27 इन द मिडल ऑर्डर, सॉरी 27 ऑफ 23 फॉर हिम विथ 2 4s एंड अ 6, जिनकी वजह से, कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से 110 तक USA pahunch saka. So a challenging total, but of course they were aiming for 15-20 runs more to add to that. Arshdeep Singh, what a spell from him, his finest in the T20 format so far. 4 wickets, giving away just 9 runs in his 4 overs. And of course Pandya picking up 2 as well, giving away just 14. And of course Akshar Patel ne bhi ek wicket hasil ki. Chase ki agar hum baat kare, India ki taraf se ek acha स्टार्ट नहीं हो सका, लूजिंग कोहली एंड रोहित शर्मा अर्ली ऑन, बट स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू इंडियाज बैटिंग. 50 नॉट आउट वंस अगेन फ्रॉम हिम फॉर 49. ऑफ कोर्स दुबे आल्सो चिपिंग इन विद द बैट, इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू फॉर हिम एज वेल. ऋषभ पंत विद 18, एंड नेत्रा वालकर वंस अगेन इम्प्रेसिंग अगेंस्ट ऑफ कोर्स हिज कंट्री ऑफ ओरिजिन, बट व्हाट अ स्पेल फ्रॉम हिम एज वेल. 2 wickets, 18 runs in his 4 overs, and Ali Khan impressing as well. And in the end, it was a smooth chase for India, and they won the match by 7 wickets, which puts them not just at the top of that points table, but right through in that Super 8 spot. USA अभी 4 points के साथ जो है वो number 2 पे हैं, तो qualification जो है अभी उनकी पूरी तरह से नहीं हुई है. Of course Pakistan, Canada और Ireland, अब जो आने वाले games हैं वो बहुत important हैं for all of these 4 teams. But this is the scenario, Erin. Right now Pakistan will be praying, all of Pakistan fans will be praying that we do get a game, because it would really be a bummer if we don't get to see Pakistan play Ireland and, you know, a full complete game, or at least enough of a game that we can have a decider on, right? Dekho barish ho rahi hai. No. It's raining. Nain, it's not no going raining. To rain. I'm telling you, Florida, listen to me now. No barish on the game. We want to see someone go through on merit, because they've won, like Hafiz said. But India, they qualify now. That's what they wanted to do today. Yeah. They get that cue locked into the Super 8. Player हैं जो इस condition में वो जब वो आएंगे team में, तो उनको ये लगा होगा कि मैं जाऊंगा और मुझे 4-5-6 और मिलेंगे और मैं अपने exclusive batting करूंगा. लेकिन last 2 matches से against Pakistan और आज के match में जिस तरह की tough condition थी, exactly almost उतने ही runs ये chase कर रहे थे. लेकिन उन्होंने make sure किया कि वो अपना time लें और for same time, क्योंकि time भी लेने आप, लेकिन आपने अपनी class भी दिखानी है. तो उन्होंने वो class दिखाई कि ठीक है, उनको इतने एक्सक्लूसिव बाउंड्रियाँ नहीं है उनकी इनिंग में, और उनका वो जो स्ट्राइक रेट है वो भी नीचे है, लेकिन ये टीम की नीड थी जो कि उन्होंने किया टीम के. बहुत खूबसूरती के साथ किया, सेफली इंडिया को जो है चेस कंप्लीट करके दी. हफीज़, आप मैच से पहले आपके 11 में आप कह रहे थे कि दुबे की जगह नहीं बन रही है, जायसवाल को आप प्रेफर करेंगे इस तरह के डिफिकल्ट ट्रैक पर. आपको आप वही एनालिसिस शो वेयर वी ब्रिंग टू यू ऑल ऑफ द इन डेप्थ discussion and analysis, all the stats, everything relevant to the ICC Men's T20 World Cup 2024. अभी अभी हमने एक बड़ा another exciting low scoring match, लेकिन another exciting one in New York between India and USA. A lot was riding on this match, especially in the context of the group. पाकिस्तान की games की अगर हम बात करें, और आगे आने वाला जो future था थोड़ी और देर के लिए सिक्योर हुआ है, बिकॉज इंडिया हैव डिफीटेड यूएसए बाय 7 विकेट्स. हम इस पूरे मैच के ऊपर
तफसीली गुफ्तगू करेंगे. विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड ऑफ कोर्स हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने जो अपनी प्रेडिक्शंस दिए थे विद रिस्पेक्ट टू द स्कोर्स एंड हु विल बी द की प्लेयर्स ऑफ बोथ टीम्स उसके ऊपर भी बात करेंगे. एंड आई हैव गॉट विद मी माय ब्यूटीफुल को-होस्ट एरन हॉलैंड. एरन, द लास्ट ऑफ द न्यूयॉर्क मैचेस वी सॉ बिटवीन दीज two very promising teams, another low scoring one, but of course India this time were successful in chasing, and it wasn't a smooth chase. What were your thoughts watching India bat? I mean, it was panic stations for a little bit there after this first couple of overs. USA came to play, and as the wickets fell, the crowd got louder. All of a sudden, it felt like the India fans were just as loud as the American fans. The excitement was palpable. It just felt like the game was really on a knife's edge, teetering for a little while there until Suryakumar Yadav came and dug deep, did what had to be done for his side, dug in for a really hard fought 50 and got the job done. But it wasn't smooth sailing, and I think the Americans should be so proud of the performance they put up today against India. Another low scoring thrilling affair, and you know, India will be very glad to get the job done, but by no means was it smooth sailing. So credit Net Travalka, he did it once again, almost with the ball for USA. And, you know, what a talent he is. What a talent Aaron Jones is. And I think the one thing we take away from New York City and the Big Apple is that USA cricket has landed. You have some fantastic players in your ranks who you should be very proud of, because they really put up a wonderful performance today. And I think India will consider themselves pretty lucky, really, that, you know, a few things went their way and they got the job done. And so this is just a start. A challenge. This is just a start for a lot of these USA players. We've seen them play in franchise cricket. And of course, we can't wait to see where this World Cup takes them in, as far as more franchise cricket is concerned, but also more high quality competitions. Let's talk to our guest panel, जो यहाँ पे हमारे साथ उन्होंने हमें join किया हुआ है. As always, we've got Martin Guptill, Yunus Khan, Mohammed Hafeez. Gentlemen, assalamu alaikum, welcome back to the show. Marty, I'll start with you. You were hoping for somewhere around 135 runs that USA will post on the board. That couldn't happen. Another low scoring, not a very challenging total for them, but the way that they had India, especially when the openers were out and they were 10 for 2, and the way that they pulled it back, that pressure, how impressed have you been from the USA performance today and of course through the tournament? Yeah, they've played really well. I mean, all three games they've played so far has been of really high quality. Obviously, this wicket didn't allow for a high scoring game once again, but they turned up to play. You know, you're having India 39 for 3 in a low chase, you know, that's the alarm bells can start ringing there. But look at the way that Suryakumar Yadav and Shivam Dubey put on an 82 run stand unbeaten to take the game away from them. And it actually ends up being quite a comfortable win for India. I think they would have been, as soon as that partnership hits 50, I think they would have relaxed a lot more. Mm. And they were ahead of the game by that point. And then obviously, you know, 5 penalty. Knew what to do, he knew his plans and he executed them really well. The plan was obviously to go short towards the end, getting hit to the big boundaries, and it worked perfectly for them. And I think if we will find that Hardik did pretty much the same thing. Yeah, let's talk about, of course, the all-rounders in that Indian team. We know, of course, Arshdeep delivered with the ball. Batting mein agar hum dekhe hain, Hafeez, jab bhi hum balance ki baat karte hain Indian team mein, Hardik Pandya pe humne kaafi baat ki hai. He wasn't in the best of form coming into this World Cup. लेकिन अभी तक बैटिंग में हमने उनकी बारी नहीं देखी, उनका वो एफर्ट नज़र नहीं आया, बट बॉलिंग में जिस तरह आज भी उन्होंने की ब्रेक थ्रूज दिए अपनी टीम को, कैप्टन को पहले एरन जोन्स को जो आज इन प्लेस ऑफ मोनाक पटेल कैप्टनसी कर रहे हैं, उनकी विकेट एंड ऑफकोर्स कोरी एंडरसन जिनके बारे में भी बड़ा हमने ऑफकोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ बज़ फास्टेस्ट सेंचुरी कितना हम उनके बारे में ऑलरेडी जानते थे एंड ही वॉज इन दिस टीम बट किसी को भी सेटल होने नहीं दिया. हाउ क्रिटिकल वॉज हार्दिक पांड्या विद द बॉल टुडे? देखिए, एक तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है एज ए ऑलराउंडर. अगर आप दुनिया में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे तो इस वक्त आपको नंबर वन स्पॉट के ऊपर हार्दिक पांड्या नज़र आएंगे, क्योंकि जब वो बॉलिंग करते हैं और अपनी बैटिंग में वो टॉप पहले पांच पे बारी लेते हैं, तो वो इस तरह का एक प्रोडक्ट है जो बहुत कम टीमों के पास इस वक्त मौजूद है. तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी टीम के लिए, जैसे एशिया के अंदर बहुत से लोग स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर सामने आते हैं, इनकी फास्ट बॉलिंग की यूटिलाइजेशन इंडिया के लिए और इनके अपने कैरियर के लिए बहुत शानदार है. और वो बड़ा अच्छा अपना जो है टैलेंट को यूटिलाइज़ करते हैं, स्पेशली जो शॉर्ट जो ज़्यादातर इनकी कामयाबी है वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करके, वहाँ से जो इनका बम्पर है, जो फास्ट बॉल, ये जो तेज़ बाउंसर करते हैं,
वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो इसलिए इनका वो जो अपने टैलेंट की जो भी स्किल्स इनके पास है उसकी राइट यूटिलाइजेशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इनकी इस कंडीशन के अंदर परफॉर्मेंसेस इंडिया के बहुत काम आई, पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने शॉर्ट बॉल के ऊपर ही प्लेयरों को टारगेट किया और यहाँ पर भी इसी तरीके से कामयाबी हासिल की। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओवरऑल इनकी तरफ जाएँ तो ये एक शानदार इंक्लूजन है इंडिया की टीम के अंदर जो इनकी फास्ट बॉलिंग और इनकी बैटिंग को कनेक्ट कर देता है। बिल्कुल यूनुस, आपके पास मैं आना चाहूँगी इसी थॉट के साथ कि फास्ट पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अरसे से एक कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाला फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शायद अब्दुल रजाक के बाद हमारी टीम में नहीं आया। फहीम अशरफ इन एंड आउट रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं स्पेशली अवे वेन्यूज़ पे, लेकिन स्टिल एक जिसे कहते हैं ना मैच विनर कंसिस्टेंट, क्या रीज़न है कि पाकिस्तान के पास वो ऑलराउंडर ग्रेटनेस नहीं आई या वो बैलेंस इस टीम में नहीं आया व्हेन कम्स टू फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स? देखिए पहले तो मैं हार्दिक पांड्या की मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, हफीज़ भाई की बात को थोड़ा सा और आगे ले जाऊँगा। देखिए जब आपके पास हम बाज़ुगत बात करते हैं ना कि आप बॉलिंग और बैटिंग इसमें डिसाइड करना है कि ये क्या इनका स्ट्रेंथ है, और हम अगर हार्दिक पांड्या की बात करते हैं तो उनकी दोनों स्ट्रेंथ है। जहाँ उनकी बैटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो बैटिंग से डिलीवर किया पास में उन्होंने, जब उनकी बॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉलिंग से अपने वो चिप इन करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ऑलराउंडर की यही निशानी है कि वो सिर्फ ये ना हो कि आधा वो बॉलर हैं और आधा वो बैटर हैं तो वो फिर कंबाइन बनते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लम होता है। हमने देखा कि पाकिस्तान ने कम्प्रोमाइज़ किया इस पर पास्ट में। अगर मैं बात करूँ शुएब मलिक और उसके बाद मोहम्मद हफीज़, ये ऐसे दो हमारे पास ऑलराउंडर थे जो कि ऑन द डे जो है बॉलिंग से भी करके देते थे, फिर बैटिंग से भी करके 100 रन करते थे, और जब आपको ज़रूरत पड़ती थी स्पिन ट्रैक्स पे तो वहाँ पे आपको ये आउट भी करके देते। तो मेरे ख्याल उससे पहले अगर हम अब्दुल रजाक की बात करें, शाहिद अफरीदी की बात करें, अज़र महमूद की बात करें, उसके बाद हमें कोई जो है ना बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल सके, तो ये हमारी मेरे ख्याल से हमारी बैड लक है। और हमने फिर जैसे एक दो हमारे पास आए भी, और रिसेंट पास में हमारे पास जो भी हैं टेस्ट मैचेस में खेलते, क्या नाम है उनका जो हमारे बॉलर हैं जो अभी इस टीम में नहीं, आमिर जमाल की शक्ल में हमें नज़र आया कि शायद वो उसको लेकिन नज़र क्यों आया, मसला तो यही है। नहीं वही ना, उसको आपने देखें, उसको आपने कहीं ना कहीं सपोर्ट करना है। अगर देखें मैं यहाँ में बात करूँ, आज दुबे की बात करूँ, हमें ये लग रहा था कि शायद वो पिछला मैच भी नहीं खेलना चाहिए था और आज का मैच भी नहीं खेलना चाहिए था, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया, एक फैसला किया कि इस पे अब हमने उस पे चलना है और वो चले। यही बात की कि अब विराट कोहली वो नीचे आ जाएं, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया कि भाई अब इस तरह है तो इसी तरह है, और तो वो आपको बाजूकत अपने डिसीजन बैक करने होते हैं। तो जब आप बैक नहीं करते आमिर जमाल की शक्ल में या फहीम अशरफ की शक्ल में, ये दोनों कैसे अलाउड बन सकते थे? आमिर यामीन से पहले पास में थे, हाँ उससे पहले आमिर यामीन भी, और वो तो काफी रहे। आपको लगता है फहीम अशरफ को इनफ रन नहीं दिया गया या उनको बैक नहीं किया गया? नहीं, मैं ये कहूंगा यूटिलाइज ही नहीं किया। यूटिलाइज देखिए, अगर मैं फहीम अशरफ की बात करूँ, टेस्ट मैच में खेलते रहे, उसके बाद वो दोनों वाइट बॉल के फॉर्मेट में खेलते रहे, आमिर यामीन सिर्फ वाइट बॉल खेलते रहे, और अभी आमिर जमाल रिसेंट पास में वो टेस्ट मैच खेले और उसके बाद वो फिर कहीं वनडे में T20 में नज़र आया। तो आपको पहले फैसला करना है कि आपने इन यंगस्टर के साथ क्या करना क्या है। आप अगर ये सोच के लाते हो टीम में, और मैंने अक्सर देखा है कि एक प्लेयर जो है वो T20 के लिए आप लेके आए और समहा वो आपको पसंद आ जाता है, वो फिर थोड़ी देर में वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। भाई एक तरीका है, पहले आप T20 में लाए, T20 से फिर आप 50 ओवर के गेम में लेके जाए और फिर उसके बाद जाएं टेस्ट मैचेस में। हम सब के साथ ऐसे हुआ है ना, फ्रेंचाइज क्रिकेट के जो ऑनर है उनके ट्वीट के ऊपर बंदा सिलेक्ट हो जाता, तो ये गलत है। देखिए मैं कैसे बना ट्वीट तो अब कोई कर ही नहीं रहा। देखिए मैं कैसा प्लेयर बना, मैं पहले वनडे में आया, मैंने कुछ दिखाया कि मैं वनडे में कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मुझे उस वक्त क्योंकि T20 इतनी होती नहीं थी, कोई एक आधा मैच होता था, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं टेस्ट मैच खेला और फिर मैंने वहाँ भी परफॉर्म किया। अब हफीज़ की बात कर लें तो ये भी ऐसी आए, इनसे पूछ लें, पहले शारजा में इनका डेब्यू मेरे सामने ही हुआ, उसके बाद ग्रेजुअली करते 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 2-3-4 साल बाद जब इनको टेस्ट मैच मिला, इनसे पूछे कि इनका टेस्ट डेब्यू कब था, 2003 में, ठीक है। तो ये आपको टाइम बाय टाइम आपको फिर वो होता है, लेकिन ये नहीं करें कि एक प्लेयर जो है वो T20 के लाए हैं और आपको पर समहा उन्होंने T20 में परफॉर्म कर दिया तो आप वो टेस्ट मैच खेल लें थोड़ी देर में, ऐसा नहीं है। और ये और फिर टेस्ट मैच का इसी तरह होता है कि टेस्ट मैच में एक अच्छा प्लेयर है और वो सडनली वो जो है वो T20 में भी खेल रहे हो, ठीक है खेल सकते हैं, लेकिन पहले आप उनको रन दें, एक्सपोज ना करें। आप कि हम क्या करते हैं कि इस तरह हम फॉर समहाउ उनको एक्सपोज कर देते हैं और फिर थोड़ी देर में मैं ये देख रहा हूँ
And we saw how Mr. Zaman Khan bhi last World Cup mein, he also got exposed because he was not used to bowling those long spells. प्रॉपर उनका उनके मुताबिक रन देना है और फिर समहाउ एक दो तीन चार पाँच साल में अगर वो कैपेबल हैं तो उनको फिर वो लॉन्गर वर्जन खिलाएं और उसके बाद करें. अब ऐसा नहीं करें कि एक प्लेयर जो टेस्ट मैच से T20 में जा रहा है और T20 से वो टेस्ट मैच में जा रहा है. मैं सिर्फ इनकी बात, आपने सवाल किया कि क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा. देखें जो सिस्टम है ना वो प्रोड्यूस करता है या प्रोडक्शन वो देता है. हमारे सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने पिछले दिन बात की कि हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है जो सबसे ज़्यादा रन्स करे उसको सिलेक्ट कर लें. इसलिए T20 में मोस्टली जो बंदे हैं इवन नेशनल T20 में भी आपको ओपनर और नंबर 3 ही नज़र आएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा रन्स वही करते हैं और वो ओपनर ही खेलना चाहते हैं. यही रॉन्ग क्राइटेरिया है सिलेक्शन का प्लेयर का. जब वो अपने ट्रायल के लिए इवन अंडर 16, अंडर 15 या अंडर 17 के ट्रायल पर जाता है तो बच्चे को कहा जाता है कि आप कौन हो. उसको वो अगर कह दे मैं ऑलराउंडर हूँ तो उसे कहते हैं बेटा तू बॉलर है या बैट्समैन है. अगर वो बॉलर है तो उसको बॉलिंग के सिर्फ ट्रायल लिए जाते हैं. अगर वो बैट्समैन हो तो सिर्फ बैटिंग के ट्रायल लिए जाते हैं. तो हम वहीं पे डिस्करेज करते हैं अपने उन बैट्समैनों को जो बॉलिंग कर सकते हैं और उन बॉलरों को जो बैटिंग कर सकते हैं. तो ये अनफॉर्चुनेट, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. आप जाइएगा ग्रास रूट लेवल पे, आपको ये मसला नज़र आएगा जो मैं आपको हाईलाइट करूँ कि हमारी सिलेक्शन पॉलिसी के अंदर कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते कि बी अ गुड ऑलराउंडर. इसीलिए हम अपने फास्ट बॉलर को बारी नहीं देते. ट्राइंग टू फिट देम इन अ बॉक्स. ये हम कहते हैं कि बस बॉलर है सिर्फ बॉलिंग की ट्राई देंगे और सिर्फ बॉलिंग ही करेगा. हम उसको उतनी देर तक उस जगह डेवलप नहीं करते. एक बच्चा 15, 16 और 20 साल के अंदर डेवलप हो रहा होता है. अगर हम उसको दोनों वे में इस्तेमाल करेंगे, बच्चा बॉलर भी अच्छा है बैट्समैन भी अच्छा है, तो उन दोनों को इकट्ठा क्यों नहीं हम इकट्ठा लेके चल सकते. तो ये हमारे आप सिस्टम है. ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक को जानते हैं उनको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि वहीं पे डिस्करेज कर दिया जाता है. इसलिए हमारे पास कम प्रोडक्ट आती है एज एन ऑलराउंडर. लेकिन बाहर की दुनिया में चला जाएं तो वहाँ पे इनकरेज किया जाता है कि इफ़ समवन कैन बोल कैन बैट ही शुड गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़. लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं मिलता. ये एक बहुत बड़ा मसला है कि सिस्टमेटिकल फ्लॉज ऐसे हैं और उनको एड्रेस नहीं किया जाता. इसलिए ऑलराउंडर्स बहुत कम डेवलप होते हैं. मल्टी टैलेंट इज नॉट एनकरेज्ड स्पेशली इन एज ग्रुप क्रिकेट एंड in trials. That's what Hafiz is highlighting here, that there needs to be a change at the grassroots level where we encourage young players to develop both skills. Yeah, and it's all right if one wants to bat and bowl, and it will be good for cricket. And they should be a good athlete too. They should be a good athlete. That's how you become a top all rounder. That's the right age to pick up. आप अभी किसी को भी भेज दें और उसे कहें जी अंडर 15 के ट्रायल हैं और वहां पे जाके उसके सिलेक्टर्स जो आए हुए हैं पूछेंगे आर यू अ बैट्समैन आर यू बॉलर. Yeah. उसके कॉलम में लिख लेंगे अगर वो कहेगा ना आई एम अ बॉलर टू. नो यू ओनली अ बैट्समैन, गो एंड ओनली बैट. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट सो वी डिस्करेज बेसिकली ऑलराउंडर्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज. दैट्स द रीजन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑलराउंडर इज रियली टफ इन दिस सिस्टम. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंट ऑन फिटनेस एंड एबिलिटी इन द फील्ड बिकॉज़ यू कैन सो कंट्रीब्यूट. दैट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द यू नो द जूनियर क्रिकेट नॉट इन द नेशनल टीम. व्हेन यू स्टार्ट एट दैट टाइम your body workload things and your you know fielding your batting your bowling and then your nutrition too, so it's hard for them to you know start from that how. Yeah, well, you know, a great catch, a great run out can completely change the context of a game. Just quickly before we head to a break and move on from today's match, I just want to ask Marty, we've seen India for 3 matches now, they've dug their way out of a number of different situations. Yeah. Particularly with the ball, how does the Oracle light their chances in this edition? Do you see any weaknesses to India thus far? Well, they've got a pretty well-rounded team, haven't they? So I think moving forward, they're going to be one to, you know... England already under pressure lag rahi hai and aap apne home conditions mein khel rahe hai. Isse behtar nahi hoga mauka West Indies ke paas to really, you know, get those extra 2 points, get to 6 points, get on top of that table. And of course, that net run rate is already looking so good for them. टीम वेस्ट इंडीज़ चाहेगी कि वो एक मैच जीतें और जिस तरह वो जिस मोमेंटम के साथ जा रही है वो उसको कंटिन्यू करें. और क्योंकि अपना होम क्राउड है, हमारी एक्सपेक्टेशन में उनसे यही है कि जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में वो कहीं भी नज़र नहीं आए और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, बहुत मसले मसाइल उनके प्लेयर्स में हैं, उनके बोर्ड्स में हैं. तो आई होप कि वो इसी तरह मोमेंटम जारी रख सके. लेकिन मेरी न्यूजीलैंड टीम के लिए यही है कि देखें वो टॉप की टीम है
वो जब जब भी एज अ टीम खेलना होता है तो न्यूजीलैंड उन टीमों में से है, उन चंद टीमों में से हैं जो कि एज अ टीम खेलती है। और जिस तरह अगर ये निशम आते हैं, सऊदी आते हैं, तो और एक्सपीरियंस आएगा इनके पास, कुछ चेंजेस को उनको करनी पड़ेगी और मेरे ख्याल से वो भी अडॉप्ट करेंगे। एक मैच था उनका वो बैट चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो कम बैक करेगी और मेरी बेस्ट विशेज है न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड इज माई फेवरेट टीम और आई थिंक दे विल बी रीच सुपर एट। एक्सपेक्ट फॉर द कीवीज टू कम मेक अ कमबैक एंड ऑफ कोर्स इससे बेहतर मौका उनके पास भी नहीं होगा फीस बिकॉज अ लॉट टू कॉम्पेंसेट फॉर। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के अगर हम लास्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस देखे अगेंस्ट युगांडा, उनके हर बैटर ने नंबर 6 तक सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया विद द बैट, तो एक कॉम्प्रह अब 173 उन्होंने ऑन द बोर्ड लगाया विच इज़ नॉट एन ईजी टोटल इन T20s इनके होम कंडीशंस में। ये कितना इम्पॉर्टेंट है कमिंग इनटू दिस मैच कि आपके हर बैटर को अभी बारी मिली हुई है, सब ने बैटिंग करके कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है और आपके बॉलर्स ऑलरेडी इतने अच्छी फॉर्म में है, वॉट कैन वेस्ट इंडीज डू नेक्स्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड? देखें रोहा, एक बात मैं आपको बताऊँ, बिकॉज आई बीन अराउंड इन दिस पार्ट मैनी मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा मैंने CPL खेला, वहाँ पर टूर्स किए। इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, जब वेस्ट इंडीज़ की टीम यूनाइटेड हो जाती है और एक टीम बन जाती है, इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो ये तो बात आपको बता रहा हूँ। उनका सबसे बड़ा मसला यूनिटी है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब वो ये इकट्ठे हो जाते हैं फिर वेस्ट इंडीज़ को कोई नहीं हरा सकता। अब देखना ये है कि वो जो चीज़ डैरन सैमी जिस वजह से लाए गए कि वो यूनाइट करते हैं, इनके दो जो वर्ल्ड कप उन्होंने जीते इनकी कप्तानी में, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी यूनिटी थी। तो अगर ये यूनाइट कर देते हैं और इस टीम के जो मसाइल हैं उसको ख़त्म करवा के अगर ये इस टूर्नामेंट के अगले दो वीक इकट्ठे होकर खेलते हैं, फिर तो आप सारी टीमों के टॉप प्लेयर भी इकट्ठे कर लें और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खिला लें, वहाँ पर तो आप हार ही जाएंगे, घर चले जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ जीतेगी। अब देखना ये है कि इस सिनेरियो के अंदर अगर वो यूनाइटेड हो जाते हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल है। आई फील सॉरी फॉर न्यूजीलैंड इफ दे प्ले एज ए टीम, बिकॉज आई नो दिस मस्ट विन गेम फॉर न्यूजीलैंड ऑल्सो। बट अदर हैंड, अगर वेस्ट इंडीज़ अच्छा ना खेला, क्योंकि न्यूजीलैंड के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है, उनकी तमाम जो प्लेइंग 11 हमें नज़र आ रही है, बाई टैलेंट दे कैन बीट एनी टीम एंड एनी गिवन कंडीशन। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि कई मरतबा आप जीतते हैं अपने अच्छे खेल से और कई मरतबा खेल में आप जीतते हैं अगले के बुरा खेलने से। तो दोनों तरीके से जीत आपकी होती है। अब देखना यह है कि अगर वेस्ट इंडीज अपने जीत के लिए खेली और यूनाइटेड हो गई तो फिर तो कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर वो खुद ही अपने आप को हराने के चक्करों में पड़ गई और उनकी यूनिटी ठीक ना हुई, जो अक्सर कई मरतबा उनके मसाइल रहे हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में डिप आई हुई है, अगर ये मसला उनको हिट किया तो फिर न्यूजीलैंड कैन बीट देम। तो अब देखना यह है कि दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई है, क्योंकि अफगानिस्तान इज सिटिंग समवेयर विद अ वेरी हेल्दी नेट रन रेट। तो हमें यह देखना है कि इस ग्रुप के अंदर अगर इन दोनों में से जिसने सर्वाइव करना है उसको मैच जीतना पड़ेगा, नहीं तो उस जो हारेगा उसके लिए अगला सफर बड़ा मुश्किल है। न्यूजीलैंड के पास अभी है मैचेस, अभी उनका ये दूसरा ही मैच है, लेकिन वो जो मैच हारे हुए हैं वो इतने बुरे नेट रन रेट से हारे हुए हैं कि उसको रिकवर करने के लिए उनको दो बड़े बड़े मार्जिनों से जीतना पड़ेगा, बड़ी लीप लेनी पड़ेगी। और अफगानिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है वो 3 पता नहीं कितने प्लस पे वो खड़ा हुआ है, उनकी जो परफॉर्म जो उनके नेट रन रेट है 5.2, बस अच्छे रुक जा।